फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल #फरा में आपका स्वागत है। आज मैं आपको आइंस्टाइन बॉक्स का रिव्यू दूंगी जो कि अमेजोन से मैंने मंगवाया है। इट वाज फॉर अराउंड 599, एमआरपी इसकी 999 है। मैं आज आपको बताऊंगी कि इसके अंदर बेसिकली होता क्या क्या है। तो आप देख सकते हैं कि इसके अंदर, मैं आपको बताती हूँ, इसके अंदर एक पाउच है जिसके अंदर इस तरह के पजल्स हैं, सारे ट्रांसपोर्ट के, एरोप्लेन, शिप, ट्रेन, बस, 4 पजल्स हैं इसके अंदर। मैं आपको सिंपल वाला बना के दिखाती हूँ ताकि आपको आइडिया हो कि बेसिकली इसमें है क्या। कुछ इस तरह से 3 पीसेस वाला पजल, फिर आगे जाके 4 है, 6 पीस का भी है, बस आप देख सकते हैं शिप। तो इस तरह के पजल्स हैं, ये काफ़ी इंगेजिंग है बच्चों के लिए। अगर सच पूछे तो इसकी ये है कि आप बच्चे काफ़ी इंगेज रहते हैं इसको देने से। देन इसमें है कार्ड्स है जो आप इस तरह से बच्चे मिला के ज्वाइंट करके बना के दिखा सकते हैं। फॉर एग्जांपल बार्न एंड ट्रैक्टर, काफ़ी सारे हैं। लेटर ऑन जब आपका बच्चा बड़ा हो जाए तो आप उसको वो जो मेमोरी गेम होता है उसकी तरह भी फ्लिप करके यूज़ कर सकते हैं। अच्छी क्वालिटी इनकी अच्छी है। देन एक पाउच है जिसमें फिंगर पेंटिंग की ये बुक है जिसमें आप अपने बच्चे को बिठा के फिंगर पेंटिंग करा सकें। ये जो मेरा आइंस्टाइन बॉक्स है, दिस इज़ फॉर 2 ईयर्स, एज 2 ईयर्स वाले का है। इसमें इन लोगों ने सारी बातें, मतलब सब बता रखा है कि 1 मंथ 2 मंथ इनमें सब क्या क्या है, ये सब इस पर मेंशन है। उसके बाद इसमें स्टोरी भी है, टिगी गोस टू द डॉक्टर, एंड उसमें काफ़ी चीज़ें अच्छी से एलैबोरेट करी है इन्होंने। और बुक ऐसी है कि इस पर कुछ आप लिखें तो मिट जाए। इसमें एक मार्कर भी दिया है इन लोगों ने, वाइप एंड क्लीन वाली बुक है ये। फिर ये स्टोरी बुक है, सिड्स हॉलिडे, इसमें बहुत अच्छे से इन्होंने हर चीज़ दिखाई है। मैं आपको दिखाऊं इस तरह से आप देख सकते हैं। उसके बाद जो फिंगर पेंटिंग के लिए इन्होंने दिया है उसके साथ में एक एपर मैट दिया है इन्होंने ताकि आप ज़्यादा, बच्चा ज़्यादा मैस ना फैलाए। देन इसमें एक एप्रन भी है, वाइप एंड क्लीन वाली जो बुक थी ये वाली, इसमें इन्होंने ठीक मतलब इस तरह से ट्रेस करने के लिए भी दिया है। ट्रेस कर सकते हैं स्लीपिंग लाइंस एंड स्टैंडिंग लाइंस। और उसके साथ के लिए एक पेन भी दिया है, और इसके साथ में पेंटिंग भी, पेंटिंग के लिए जो फिंगर पेंटिंग है उसके लिए ये पेंट्स दिए इन्होंने। वाइप करने के लिए क्लोथ था एक, वो भी था जिसमें पेंट आप निकाल के कर सके। ब्रश मेरे वाले में मिसिंग था 2। खैर ब्रश तो इतना कॉस्टली नहीं होता है कि मैं इसके लिए वापस करती। एंड उसके बाद स्टिकर्स भी हैं जिससे बच्चा वो उस वाले बुक पे लगाने का होता है, वाइप एंड क्लीन वाली बुक है, उसमें आप बर्न्स एंड ऑल सब के स्टिकर्स दिए हैं। ओवरऑल अगर देखा जाए 599 में तो 2 थोड़ा एक्सपेंसिव तो है जितनी चीज़ें हैं इसके अंदर, लेकिन जो भी चीज़ें हैं वो अच्छी है। मतलब आपका बच्चा इंगेज होगा उससे, क्योंकि आजकल हमारे पास खिलौने तो बहुत है, लेकिन इंगेज करने वाला, अच्छा नॉलेज बढ़ाने वाली अगर कोई चीज़ कहे तो ये ऐसी चीज़ है आइंस्टाइन बॉक्स जो बच्चे की नॉलेज बढ़ाता है। तो मेरी बेटी तो 3 साल की अब हो जाएगी, मैंने इसको लिया था 2.5 साल पे, मैंने इसको परचेज किया था, और ये बहुत ही मुझे यूज़फुल लगा, बहुत इंगेज। मैंने कार्ड्स देखे ही, मैंने बिठा दिया है तो आई थिंक 1/2 घंटे तक तो कार्ड से ही खेल रही हैं। पजल्स अभी भी मैं दे देती हूँ तो पजल से काफ़ी लग जाती है, इसमें छोटे पजल्स भी है बस के लिए, जो वैसे बच्चों को थोड़ा सा एक्टिविटी में इंगेज रखता है। तो अगर मेरी माने तो आप अगर एक बार ट्राई करके ज़रूर देखें। 599 इतनी बड़ी अमाउंट भी नहीं है कि आप ना लगा पाएँ, और खिलौने तो हम कितने महंगे महंगे ले आते हैं अगर देखा जाए तो एक बार कुछ एक्टिविटी का भी लेकर देखिए। आपका बच्चा स्कूल जब तक नहीं जाता उससे पहले लीजिए ताकि आप इसको कुछ इंगेज कर सकें। ओवरऑल अगर मैं इसको रेट करूँ 5 में तो आई विल गिव इट 4, क्योंकि मैंने एक कम इसलिए दिया है क्योंकि इतना जितना 599 लिया है उसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो इतनी चीज़ें नहीं हैं कॉस्टली इसके अंदर। तो आप ज़रूर एक बार अमेजोन से मंगा के ट्राई करें। आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय बाय।